गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बशीर खान फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी, पीजीटी अकाउंटेंसी। यस डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर 7th, डबल एंट्री सिस्टम। हम लोगों ने बेटा कल की क्लास में जो किया था वो पर्सनल अकाउंट के बारे में किया था। आज हम लोग जो है बेटा इसी में आगे बढ़ते हुए रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपको पता लगेगा कि रियल अकाउंट क्या होते हैं बेटा, उसके रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, उसके रूल क्या हैं। और जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको पता लगेगा इन्हीं रूल से हम जो बेटा आगे के चैप्टर हैं, जैसे जर्नल है, नेक्स्ट जो टोटली अकाउंटिंग है वो आपका इन्हीं बेटा रूल के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके बेटा, चलिए बेटा आज का जो हम टॉपिक देख लेते हैं अपना, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल एंट्री सिस्टम की हम बात कर रहे थे और उसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने कल जो पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने बताया था बेटा एनी अकाउंट रिलेटेड विद पर्सन, फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन एज नोन एज पर्सनल अकाउंट। इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो हमारा पर्सनल अकाउंट था, रूल हम लोगों ने देखा था, पर्सनल का रूल जो था वो था हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन रिसीवर है बेटा उसको हम डेबिट करना है, और जो भी क्रेडिट द गिवर, और जो भी पर्सन गिवर है उसको आपने क्रेडिट करना है। सेकंड, आज हम जो बात करने वाले हैं, सेकंड जो हमारा अकाउंट था उसमें हमने आपको बताया था बेटा, सेकंड अकाउंट में हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट, पहला पर्सनल है, सेकंड है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पर्सनल अकाउंट का, तो इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोगों ने जो है वो टू कैटेगरी के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास टू कैटेगरी हम लोगों ने बनाया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास रहेगा डियर स्टूडेंट रियल अकाउंट, एंड थर्ड हमारे पास रहेगा रियल, और सेकेंड हमारे पास यहाँ पर होगा वो होगा नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल रियल की, तो यहाँ पे आपने मीनिंग चेक कर लेना है रियल अकाउंट का, व्हाट इज रियल अकाउंट। देखिए बेटा, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग हुज वैल्यू कैन बी मेजर्स इन टर्म ऑफ मनी। देखिए बेटा, इसके अंदर हम उन सभी एसेट्स के अकाउंट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। रियल अकाउंट मीन्स ऑल दोज एसेट्स विच वैल्यू कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज रियल अकाउंट। ऐसी सभी एसेट के अकाउंट जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर बात करें, कैश है हमारे पास, रियल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, गुडविल है, कॉपीराइट है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो मैंने क्या बताया रियल के बारे में बेटा, ऑल एसेट्स अकाउंट इंक्लूड इन रियल अकाउंट हुज वैल्यू कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू को हम बेटा मनी के अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे रियल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो रियल को भी आगे जाके हम लोगों ने फर्दर जो है टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टेंजिबल रियल, और सेकंड है इनटेंजिबल रियल। यस डियर स्टूडेंट, टेंजिबल रियल मींस ऑल एसेट्स
विच कैन बी सीन और टच, इसके अंदर वो सारी एसेट आती है बेटा जिसको आप लोग टच भी कर सकते हो और सीन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा, ये सारे बेटा हमारे क्या हैं, टेंजिबल। और इनटेंजिबल विच कॉन्ट बी सीन और टच लाइक गुडविल, कॉपीराइट एक्सेट्रा, दीज आर द इनटेंजिबल रियल अकाउंट। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें अभी रूल्स की, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा जो रूल है बेटा वो रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है बेटा यहाँ पे डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यानी बेटा बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन होगा, यानी कोई भी एसेट बिजनेस में आएगी तो आपने क्या करना है, डेबिट करना है, और बिजनेस से जो भी एसेट आपकी जाएगी उसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल बेटा देख लीजिए यहाँ पे परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, आपने क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो बिजनेस में क्या होगा बेटा, फर्नीचर आएगा, इन होगा, तो आपने फर्नीचर को क्या करना है, डेबिट करना है। डियर स्टूडेंट फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है बेटा, सोल्ड ओल्ड मशीन, आपने ओल्ड मशीन को क्या किया, सोल्ड किया। अगर हम लोग सोल्ड करेंगे तो बेटा मशीन हमारा एसेट है और क्या हो रहा है, जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी बिजनेस से जाएगा आपने क्रेडिट करना, तो यहाँ पे मशीन अकाउंट जो है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा है बेटा रियल अकाउंट। लास्ट अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे बेटा, तो थर्ड हमारा जो अकाउंट रहेगा वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट। चेक कर लें बच्चे बेटा एक बार, यस डियर स्टूडेंट, जो हमने बात बताया था आपको बेटा, जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है उसमें हमारा पहला जो है वो है रियल अकाउंट, और दूसरा हमारा जो रहेगा यहाँ पे बेटा वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, यस डियर स्टूडेंट, नॉमिनल मीन्स ऑल अकाउंट रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंस, ऑन अकाउंट रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे सामने बेटा बिजनेस की इनकम से रिलेटेड और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट है वो सारे के सारे हमारे बेटा नॉमिनल में आते हैं। एग्जांपल के लिए हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे बेटा सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ठीक है बेटा, वेजेस है, इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा, दीज आर द नॉमिनल अकाउंट। ये सारे के सारे बेटा हमारे कौन से अकाउंट रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट रहेंगे। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे रूल के बेटा, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो रूल में हमारे पास बेटा पहला यहाँ पे जो रूल है उस रूल की हम बात करें बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम
एंड गेन, गेन मीन्स बेटा यहाँ पे प्रॉफिट, यानी सभी बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस हैं उसको आपने डेबिट करना है, और सभी इनकम को और जो भी आपके प्रॉफिट है उसको आपने क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, सैलरी पेड, अगर आप सैलरी पेड करते हैं बेटा तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सैलरी एक्सपेंस या इनकम है, एक्सपेंस है तो यहाँ पे सैलरी को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। रिसीव्ड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है, इनकम है तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये है बेटा हमारे पास कौन सा अकाउंट है, ये रहेगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। यस डी स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने आज आपको यहाँ पे बतानी है बेटा। चलिए बेटा एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, सभी बच्चों ने बेटा ध्यान से इसको चेक कर लेना है। देखिए बेटा, व्हेन एनी वर्ड एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम अ पर्सनल अकाउंट। यस डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो बेटा आपका पर्सनल में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे रेंट आपका कौन सा अकाउंट रहेगा, रेंट हमारा यहाँ पे है नॉमिनल अकाउंट, रेंट नॉमिनल है। अगर इसके साथ लग जाए बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, बेटा ये आउटस्टैंडिंग जो है ना, मैंने अभी बताया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले लग जाए बेटा, रेंट से पहले लग गया, जैसे प्रीफिक्स लग गया, प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा पहले लगना। तो अगर नॉमिनल अकाउंट के पहले प्रीफिक्स लग जाए, जैसे ये लग गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये बेटा हमारा पर्सनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सैलरी, सैलरी हमारा नॉमिनल है, बट अगर इसके साथ में प्रीपेड लग जाए, प्रीपेड सैलरी, तो ये हमारा बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सनल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ हम बात करेंगे कमीशन, किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पे कमीशन की बात करेंगे, तो कमीशन हमारा कौन सा है, नॉमिनल है, लेकिन अगर कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस अगर ये हमारे पास आ जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये फिर आपका बन जाएगा नॉमिनल बन जाएगा, सॉरी पर्सनल अकाउंट आपका बन जाएगा। ये देखिए बेटा इसको सफिक्स बोलते हैं जो एंड में लगता है, ये कमीशन तो नॉमिनल है, ये बाद में लग गया तो हमारा ये क्या बन गया बेटा, पर्सनल बन गया। तो ये बात आप लोगों ने बेटा ध्यान से समझ लेनी है, अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग बेटा इतना ही करेंगे, बाकी जो बेटा न्यूमेरिकल इसका एक दो क्वेश्चन है वो हम लोग बेटा इसका कल कराएंगे, कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो बेटा इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।